सो जय दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, हम में से जितने भी विंडोज़ यूज़र्स हैं उनको यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है इंटरनेट कनेक्शन की। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छा खासा प्लान लेके रखे होंगे, लाइक 50 Mbps का, 100 Mbps का या उससे ज़्यादा भी। लेकिन जब आप डाउनलोडिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो वो स्पीड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है जो आपने जिस हिसाब का प्लान ले रखा है। और इसका रीज़न होता है कि कुछ हमारे यहाँ पे विंडोज़ की सेटिंग्स, जिसको यहाँ पे हम चेंज नहीं करते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे आपको वो स्पीड नहीं मिल पाती जो आपको मिलनी चाहिए। तो आज मैं आपसे यहाँ पे 7 से 8 ऐसी सेटिंग शेयर करूँगा जिन्हें आपको अप्लाई करना है। अगर इनको आपने यहाँ पे अप्लाई किया और उसके बाद जब आप रीस्टार्ट करोगे अपने PC या लैपटॉप को, तो आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर गाइस, कोई भी पार्ट को यहाँ पे आप स्किप मत करिएगा, सारे स्टेप्स को अप्लाई करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे श्योरली फ़र्क दिखने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी डिले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर आपके लिए काम करता है तो बस मेक श्योर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर किसी तरह का सवाल होता है तो आप मुझे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ मैं आपको जो रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप जितना हो सके अपने डिवाइस को क्लोज रखिए अपने वाईफाई राउटर से। जितना क्लोज रहेगा डिवाइस राउटर के, उतना अच्छा आपको यहाँ पे सिग्नल देखने को मिलेगा और उतनी अच्छी यहाँ पे इंटरनेट स्पीड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है जिसको आपको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने विंडोज़ आइकन पे यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए, सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में आपको क्लिक करना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पे। और यहाँ पे जिस भी कनेक्शन से आप कनेक्टेड हैं, लाइक वाईफाई या इथरनेट से, उस पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीटर्ड कनेक्शन। अब मीटर्ड कनेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे इनेबल्ड होता है, और इसके इनेबल होने से क्या होता है कि ये रिड्यूस करता है डेटा यूसेज को, ताकि आपका कम यहाँ पे डेटा कंजप्शन हो। लेकिन इसकी वजह से जो स्पीड है उसमें काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप कंसर्न नहीं है डेटा यूसेज को लेके, आपको वाकई में अच्छी इंटरनेट स्पीड चाहिए, तो मीटर्ड कनेक्शन को यहाँ पे टॉगल ऑफ कर दीजिए। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में विंडोज़ अपडेट मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिए। और ये रिकमेंडेड है कि यहाँ पे चेक फॉर अपडेट करके जितने भी तरह के यहाँ पे अपडेट अवेलेबल हैं उनको यहाँ पे आप डाउनलोड और इंस्टॉल कराइए। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ अपडेट करने को, क्योंकि बहुत टाइम आपके आउटडेटेड ड्राइवर्स के भी अपडेट होते हैं, नेटवर्क के ड्राइवर्स के अपडेट होते हैं, या बहुत तरह के बग होते हैं उनके अपडेट अवेलेबल होते हैं। तो जब आप इनको अपडेट नहीं करते हो तो आपको कई तरह का स्लो कनेक्शन प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इतना करने के बाद लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में आपको गेमिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिए। और यहाँ पे आपको गेम बार वाला ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक करिए और ये मेक श्योर करके रखिए अलाउ योर कंप्यूटर टू ओपन गेम बार वाला ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल्ड है, इसको यहाँ पे आप डिसेबल रखिए। और अब नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इंटरनेट अडेप्टर सेटिंग्स में चेंजेस लाएंगे, ताकि आपको मैक्सिमम अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले और अच्छा सिग्नल देखने को मिले। तो अपने विंडो सर्च पर यहाँ पे आप क्लिक करिए, ncpa.cpl कमांड टाइप करिए और एंटर कराइए। अब आपको यहाँ पे सारे इंटरनेट अडेप्टर देखने को मिलेंगे। तो जिस भी कनेक्शन से आप कनेक्टेड हैं, वाईफाई या इथरनेट से, उस पर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यहाँ पे आप डबल क्लिक कराइए और यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स आएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सेट होता है ऑप्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, जिसका मतलब होता है कि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक एयरटेल है, जियो है, यहाँ पे ये उसका DNS सर्वर यूज़ कर रहा है, जो कि उतना फास्ट नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फास्टेस्ट DNS सर्वर यूज़ करेंगे जो आपका गूगल या Cloudflare यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अब आपके लिए फास्टेस्ट कौन सा है, इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो सर्च पे टाइप करिए CMD, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे अब आपको पिंग कराना है दोनों ही DNS सर्वर एड्रेस को, और जिसका भी यहाँ पे लोअर पिंग होगा उसी को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पिंग कराते हैं यहाँ पे Cloudflare को। तो उसके लिए टाइप करेंगे पिंग स्पेस 1.1.1.1, ये Cloudflare की IP है, एंटर कराएंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एवरेज पिंग जो देखने को मिल रहा है वो 13 ms का है। तो अब यहाँ पे हम जो है गूगल को भी पिंग करा लेते हैं। तो गूगल के लिए टाइप करेंगे पिंग स्पेस 8.8.8.8, एंटर कराएंगे और गूगल से हमें यहाँ पे मिल रहा है 41 ms का। तो यहाँ पे जो लोअर पिंग है, जो अच्छा पिंग हमें देखने को मिल रहा है, वो Cloudflare की तरफ से है। तो यहाँ पे हम Cloudflare को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे गूगल का कम मिलता है तो आप गूगल को के साथ जा सकते हैं।
दोनों का डीएनएस सर्वर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज करिए, यूज द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेस, और यहाँ पे हम क्लाउडवेयर का प्रेफर्ड यूज करेंगे जो होगा 1.1.1.1 और ऑल्टरनेट होगा यहाँ पे 1.0.0.1। बस ओके पे क्लिक कराइए, ओके पे क्लिक करिए, दोबारा से अपने इंटरनेट अडाप्टर पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्फ़िगर वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको पावर मैनेजमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अलाउ द कंप्यूटर टू टर्न ऑफ दिस डिवाइस टू सेव पावर वाला ऑप्शन आपका चेक हो सकता है, इसको यहाँ पे आपको अनचेक करना है। फिर टॉप मेन्यू ऑप्शन में आपको क्लिक करना है एडवांस्ड के ऊपर। अब एडवांस्ड पे आने पे प्रॉपर्टी सेक्शन में यहाँ पे चैनल विड्थ फॉर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और चैनल विड्थ फॉर 5 गीगाहर्ट्ज़ को आपको ऑटो पे ही सेलेक्ट करना है। फैट चैनल इंटॉलरेंट को आपको डिसेबल करना है। फिर मिलेगा आपको यहाँ पे प्रेफर्ड बैंड, तो प्रेफर्ड बैंड अगर आपका राउटर आपका डिवाइस यहाँ पे सपोर्ट करता है 5 गीगाहर्ट्ज़ को तो यहाँ पे आप 5 गीगाहर्ट्ज़ को सिलेक्ट करिए, अगर नहीं करता है तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को सिलेक्ट करिए। उसके बाद मिलेगा आपको रोमिंग एग्रेसिवनेस, अगर आप अपने वाईफाई राउटर के क्लोज हैं इसको लोएस्ट पे रखिए, अगर लोएस्ट पे रखेंगे तो उतना अच्छा आपको यहाँ पे स्पीड देखने को मिलेगा, हाईएस्ट पे रखेंगे तो यहाँ पे कम स्पीड आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद मिलेगा आपको यहाँ पे थ्रूपुट बूस्टर, अब ये आपका यहाँ पे डिसेबल्ड होना चाहिए तो अगर इनेबल्ड है तो इसको डिसेबल करिए। ट्रांसमिट पावर को आपको हाईएस्ट पे सिलेक्ट करना है, बस इतनी सेटिंग करने के बाद ओके पे क्लिक करिए और इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या करना है, अपने विंडोज सर्च पे क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप करिए जीपी एडिट, सजेशन में आपको मिलेगा एडिट ग्रुप पॉलिसी, यहाँ पे क्लिक करिए, ग्रुप पॉलिसी एडिटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडोज 10 या 11 का होम एडिशन यूज कर रहे हैं तो ग्रुप पॉलिसी एडिटर यहाँ पे आपका नहीं ओपन होगा, आपको एरर देखने को मिलेगा। अब उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं होम एडिशन में, तो ग्रुप पॉलिसी एडिटर को वहाँ पे इनेबल कराइए और यहाँ पे आने के बाद कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्लिक करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा नेटवर्क, इस पे डबल क्लिक करिए और यहाँ पे आपको मिलेगा QoS पैकेट शेड्यूलर, यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिट रिजर्वेबल बैंडविड्थ, इस पे यहाँ पे डबल क्लिक करिए। एक और बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा, ये सिलेक्टेड होगा यहाँ पे नॉट कॉन्फ़िगर्ड पे, आपको इसको इनेबल करना है और इनेबल करते ही नीचे आपको मिलेगा बैंडविड्थ लिमिट परसेंट, ये 80 पे सेट होगा, इसको यहाँ पे आपको 90 कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए और इसे यहाँ से क्लोज करिए। तो गाइस फाइनली आपको अब क्या करना है, अपने विंडोज सर्च पे क्लिक करिए और यहाँ पे CMD टाइप करिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिन कराइए और यस पे क्लिक करिए। बस यहाँ पे दो सिंपल सी कमांड आपको टाइप करनी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चाहे आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। सबसे पहली कमांड है NETSH स्पेस WinSock स्पेस रीसेट, एंटर कराइए, ये रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप दूसरी कमांड भी यहाँ पे टाइप करिए जो है IP config स्पेस /flush DNS, दोबारा से एंटर कराइए और DNS कैश आपका यहाँ पे फ्लश हो जाएगा। तो इतना करने के बाद इसे यहाँ से क्लोज करिए। अब फाइनली अपने विंडोज 10 और 11 को यहाँ पे आप रीस्टार्ट कराइए, अपने मॉडेम को रीस्टार्ट कराइए और फाइनली आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दैट्स ऑल गाइस, ये थी कुछ बेस्ट सेटिंग आपके विंडोज़ की जो आपको हेल्प करेंगे मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कराने में। और गाइस अगर आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलता है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी तरह के डाउट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।